हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। इस कोरोना काल में ज़्यादा इधर उधर घूमिएगा नहीं, बस अपने घर में रहिए, अपने पढ़ाई से मतलब रखिए, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे थे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जिसमें हम लोग ड्रग्स का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, है ना। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, इसको ओरल कंट्रासेप्टिव्स भी कहा जाता है, ओरल कंट्रासेप्टिव्स, ठीक है। तो एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स वैसे केमिकल को कहा जाता है जो अनचाहे प्रेगनेंसी से बचने के लिए वुमेन को दिया जाता है ना। अनचाहे प्रेगनेंसी से बचने के लिए जो केमिकल वुमेन इस्तेमाल करती हैं उन्हें कहा जाता है एंटी फर्टिलिटी ड्रग, मतलब ये बच्चे के जन्म को कंट्रोल करता है, ठीक है। कि द केमिकल सबस्टांसेस विच आर यूज्ड टू कंट्रोल द प्रेगनेंसी इन वुमेन आर कॉल्ड एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। तो वे रसायन जो वुमेन में प्रेगनेंसी को कंट्रोल करते हैं एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स कहलाते हैं, ठीक है। आजकल आज के हमारे सामाजिक परिदृश्य में अगर देखें तो इन दवाओं का थोड़ा बहुत ज़्यादा मिसयूज हो रहा है। लोग बिना डॉक्टर की सलाह के इन दवाओं का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिनका हमारे उनके स्वास्थ्य पर, है ना, औरतों के स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा इसका असर पड़ता है, ठीक है। पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, है ना। इसका एग्जाम्पल है मायफेप्रिस्टोन और मेलो जायफेन, है ना। हम आपको पहले ही बताए थे एग्जाम्पल याद करने में आपको परेशानियां होंगी। तो मायफेप्रिस्टोन और मेलो जायफेन, नोरेथिनड्रोन, मेस्ट्रानोल, ये कुछ ओरल कंट्रासेप्टिव हैं। इनका इस्तेमाल वुमेन्स अनचाहे प्रेगनेंसी से बचने के लिए करते हैं। जनरली इनको ओरली दिया जाता है, मुंह के द्वारा खाया जाता है। जो मायफेप्रिस्टोन है ना, हम लोग सुनते हैं टीवी में प्रचार आता है माला डी, है ना, ये हमारा माला डी के नाम से मार्केट में बिकता है। इनको मॉर्निंग आफ्टर पिल भी कहा जाता है, मॉर्निंग आफ्टर पिल। इन दवाओं को जैसे बहुत लोग गर्भ निरोधक दवा दुकान में बोलने में हेजिटेशन महसूस करते हैं तो बोलते हैं मॉर्निंग आफ्टर पिल या माला डी या सहेली के नाम से मार्केट में मिलता है। जैसे और मिलो जाकिन जो है ये सहेली के नाम से मार्केट में उपलब्ध है, ठीक है। इन दवाओं का जनरली इस्तेमाल करने से बचना चाहिए, ठीक है, वुमेन्स को, क्योंकि इनके इस्तेमाल से शारीरिक परेशानियां उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। देखिए हम यहाँ लिखाया गया हम लोग को कि डिमेरिट्स ऑफ एंटी फर्टिलिटी ड्रग, पहला है प्रोलॉन्ग अनफर्टिलिटी, मतलब अगर इन दवाओं का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है तो क्या होता है कि वो जो औरतें होती हैं वो लंबे समय तक, कभी कभी तो जीवन भर बांझपन का शिकार हो जाती हैं, ठीक है। ये दवाएं औरतों को उम्र भर बांझपन का शिकार बना सकती हैं, इसलिए इन दवाओं को बड़े सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा डिमेरिट्स का है डिसरप्शन ऑफ नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल। नॉर्मली औरतों में 5 से 7 दिन का एक मासिक धर्म, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल, 5 से 7 दिन का एक चक्र होता है। इसमें क्या होता है कि जो उनमें जो एक्स का जो फॉर्मेशन होता है, जो एक खराब हो जाते हैं वो शरीर से बाहर निकलते रहते हैं। इनके निकलने का जो समय होता है वो 5 से 7 दिन का होता है। लेकिन अगर इन दवाओं का इस्तेमाल किया जाए तो ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है ये घट जाता है, ये 2-3 दिन का ही होता है। इससे क्या होता है कि वो जो खराब एक्स होते हैं वो अच्छे से शरीर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, परिणाम स्वरूप उन औरतों में तरह तरह की शारीरिक बीमारियां घर करने लगती हैं। और तीसरा डिमेरिट है इंक्रीज इन वेट। इन दवाओं का इस्तेमाल करने से उन औरतों का जो वेट होता है वो भी इंक्रीज कर जाता है। वेट के बढ़ने से भी शरीर में अनेक बीमारियां आ जाती हैं, इसलिए बहुत रेयर केस में इनका इस्तेमाल करना चाहिए। पहले तो इनका इस्तेमाल करने से जहाँ तक हो सके बचना चाहिए, ठीक है। हमारा अगला जो ड्रग है वो एंटी एलर्जिक ड्रग्स, एंटी एलर्जिक ड्रग्स, है ना। एंटी मतलब विरोध, एलर्जी का मतलब हो गया हमारे शरीर का अति संवेदनशील होना। एलर्जी आप लोग सब परिचित होंगे, है ना। जैसे किसी किसी को धूल से एलर्जी होता है, आप देखे होंगे, आपके कोई मित्र होंगे, है ना, अगर वो धूल के संपर्क में आते होंगे तो वो छींकने या खांसने लगते होंगे। किन्हीं किन्हीं को दही से एलर्जी होता है, अगर वो दही खा लिया तो उसके शरीर में चकते पड़ने लगते हैं। किसी किसी को मांस मछली से एलर्जी होता है, वो जनरली उसको नहीं खाता, अगर गलती से खा लिया तो उसको उल्टी शुरू हो जाएगा,
या वो बीमार पड़ जाएगा। तो एलर्जी किन्हीं किन्हीं को पानी से एलर्जी होता है, किसी को धूप से एलर्जी होता है, धूप में बाहर गए तो शरीर पर लाल लाल चकते पड़ गए, जैसे खुजली होने लगा, पूरे स्किन पर रैशेस उत्पन्न हो गया। तो हमारे शरीर का अति संवेदनशील होना कब, जब हम किसी पदार्थ के संपर्क में आते हैं, एलर्जी कहलाती है। तो वैसा केमिकल जो हमें एलर्जी से बचाता है उसको एंटी एलर्जिक ड्रग कहा जाता है। अब हमें जो एलर्जी होता है स्टूडेंट्स, इसके पीछे जो केमिकल जिम्मेदार होता है वो होता है हिस्टामिन। अगर मान लीजिए किसी को धूल से एलर्जी है, तो अगर वह व्यक्ति धूल वाले स्थान पर जाएगा तो उसके शरीर में हिस्टामिन नामक केमिकल बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही वो हिस्टामिन बाहर निकलेगा उसको एलर्जी होना शुरू हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि उसे एलर्जी ना हो, तो हमें एक ऐसा केमिकल का सेवन करना पड़ेगा जो उस हिस्टामिन का जो इफेक्ट है उसको वो ख़त्म कर दे। ठीक है, तो अगर जैसे ही वह केमिकल हिस्टामिन के इफेक्ट को ख़त्म करेगा आपको एलर्जी होना भी बंद हो जाएगा। इसलिए वैसे केमिकल को हम एंटी हिस्टामिन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हिस्टामिन नामक केमिकल के विरुद्ध काम करता है, ये हिस्टामिन के प्रभाव को खत्म करता है, इसलिए इसको एंटी हिस्टामिन भी कहा जाता है। तो डेफिनेशन क्या हुआ स्टूडेंट्स, द केमिकल सब्सटेंसेस विच डिस्ट्रॉय हिस्टामिन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी बाय एलर्जेंस। एलर्जेंस का मतलब हो गया वह पदार्थ जो एलर्जी उत्पन्न करता है, उसको एलर्जेंस कहा जाता है। और एलर्जी वो कैसे उत्पन्न करता है, वह पदार्थ के संपर्क में अगर आप जाओगे तो आपके शरीर में हिस्टामिन नामक केमिकल बाहर निकलेगा, तो इस हिस्टामिन के निकलने के चलते आपको एलर्जी होगा। तो वह केमिकल सब्सटेंस विच डिस्ट्रॉय हिस्टामिन, वह रासायनिक पदार्थ जो हिस्टामिन को नष्ट कर देता है, प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी बाय एलर्जेंस, जो एलर्जेंस के द्वारा शरीर में उत्पन्न होता है, आर कॉल्ड एंटी हिस्टामिन। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण या फेमस एंटी हिस्टामिन केमिकल का नाम लिखा हुआ है, जैसे डायफेन हाइड्रामाइन, ब्रोमफेनिरामाइन, प्रोमिथाजिन और टेरेफेनाडिन, जो मेरा सेल्डेन के नाम से मार्केट में पाया जाता है। तो ये बोले आपको सिर्फ एग्जांपल याद करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, थोड़ा सा टिपिकल केमिकल है, बाकी डेफिनेशन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। डेफिनेशन का लैंग्वेज हम सेम रखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको सारा डेफिनेशन याद करने में दिक्कत ना हो। अगला हमारा ड्रग है एंट एसिड्स। कभी कभी आप शादी पार्टी में जाते होंगे तो बहुत हम लोग अचर पचर खा लेते हैं, पेट में मैंने डकार आना शुरू हो जाता है, पेट में जलन उत्पन्न होना शुरू हो जाता है, इसे ही एसिडिटी कहा जाता है। क्या होता है कि कुछ जो केमिकल होते हैं, जो स्पाइसी फूड होते हैं, है ना, वो हमारे पेट में एसिड की मात्रा को बढ़ा देते हैं। तो एसिड बढ़ने से हमारा जो स्टोमक होता है वो एसिडिक हो जाता है। ठीक है, तो उस एसिडिटी से बचने के लिए हम जिन केमिकल का इस्तेमाल करते हैं उसको कहा जाता है एंट एसिड। फिर एंट बना हुआ एंटी से, है ना, एंटी एसिड्स, मैंने एसिड के विरुद्ध काम करने वाला वैसा केमिकल जो एसिड के विरुद्ध काम करता है उसको बोलते हैं एंट एसिड्स। तो द केमिकल सब्सटेंसेस विच कैन रिड्यूस और न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड इन स्टोमक, जो हमारे पेट में एक्सेस एसिड को जो कम कर दे या न्यूट्रलाइज कर दे। ठीक है, एंड रेज द पीएच वैल्यू टू एप्रोप्रिएट लेवल। पीएच आप जानते होंगे, है ना, सोरेनसेन नामक साइंटिस्ट थे जो एसिडिटी और बेसिसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए पीएच स्केल बनाए थे। उन्होंने कहा था अगर पीएच वैल्यू 7 होगा तो न्यूट्रल, 7 से कम होगा तो एसिडिक, और 7 से ज्यादा होगा तो बेसिक। हमारा जो ब्लड होता है स्टूडेंट्स वो अल्कलाइन होता है, हमारा जो ब्लड का पीएच वैल्यू है ये 7.35 से 7.45 के बीच में होता है, 7.35 से 7.45। तो अगर पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होगा तो अल्कलाइन होता है। तो हमारा जो ब्लड होता है वो हल्का सा अल्कलाइन है नेचर में। ठीक है, तो अगर हमारे ब्लड में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको खत्म करने के लिए हम जिन केमिकल का सेवन करते हैं उन केमिकल को ही कहा जाता है एंट एसिड। तो द केमिकल सब्सटेंसेस विच कैन रिड्यूस और न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड इन स्टोमक एंड रेज द पीएच वैल्यू टू एप्रोप्रिएट लेवल, उचित स्तर तक, आर कॉल्ड एंटा एसिड्स। ऐसे एग्जाम्पल है इनो, पुदीन हरा, जेलुसिल, डायजेन, है ना।
तो इनो पुदीन हरा जेलुसिन डाइजिन ये हमारा एंट एसिड के नाम है। आप कोई भी एंट एसिड आप उठाओ और उनके इंग्रेडिएंट को आप चेक करोगे तो जनरली सारे एंट एसिड में आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, क्योंकि हमको एसिड को खत्म करना है। तो एसिड को कौन खत्म करेगा? बेस। देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये बेस है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ये बेस है, ये कॉमनली यूज केमिकल है जिनका इस्तेमाल एंट एसिड के रूप में होता है। ठीक है, ये तो उनका नाम है, इस नाम से वो मार्केट में बिकते हैं, लेकिन इनमें जो केमिकल पाया जाता है वो कौन कौन है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह स्टूडेंट्स हम लोग का जो ड्रग और मेडिसिन का जो टॉपिक था यहाँ पे समाप्त होता है ना। अगला जो हमारा कैटेगरी होगा वो होगा केमिकल्स इन फूड। केमिकल्स इन फूड में बस हमको दो टॉपिक जानना है, एक तो हमारा फूड प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं और आर्टिफिशियल स्वीटनर, है ना। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट आर फूड प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्व का मतलब होता है संरक्षित, है ना। तो फूड प्रिजर्वेटिव भोजन को संरक्षित करने वाले, हम देखते हैं स्टूडेंट्स अगर ब्रेड हो या रोटी हो अगर एक दो दिन तक हम छोड़ देते हैं तो उसमें हरा हरा कुछ फफूंद निकल आता है और वह खाद्य पदार्थ हमारा खराब हो जाता है। सिर्फ ब्रेड या रोटी ही नहीं, अगर आप चावल रख दो या मतलब भात को रख दो, चाहे और भी अगर आप कच्चा मीट या पका हुआ मीट भी अगर है या कच्चा मीट है तो एक से दो दिन में वो खराब हो जाता है, उसे स्मेल आना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैंने बैक्टीरिया या मॉल्ड या फंगस इत्यादि उसमें उत्पन्न हो जाते हैं जो भोजन को खराब कर देते हैं। तो हम भोजन को माइक्रो ऑर्गेनिज्म के चलते खराब होने से बचाने के लिए जिन केमिकल का इस्तेमाल करते हैं उनको कहा जाता है फूड प्रिजर्वेटिव्स। आप देखे होंगे कि हम लोग घर में अचार बनाते हैं तो अचार में हम क्या डालते हैं बच्चों? हम लोग अचार में तेल डालते हैं, नमक डालते हैं या थोड़ा स्पाइस मसालों का इस्तेमाल करते हैं। जो तेल और ये जो नमक होते हैं ये फूड प्रिजर्वेटिव्स हैं, ये भोजन को खराब होने से बचाते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के चलते जो भोजन हमारे खराब होते हैं उसे बचाते हैं। कभी कभी आप देखे होंगे कि आपके घर में अगर एक्स्ट्रा चिकन अगर पड़ा हुआ है, पूरा अगर नहीं बना है, उसको अगर अगले दिन यूज़ करना है तो हमारी माताएँ क्या करती हैं, उसको नमक या हल्दी में लपेट करके रख दिया जाता है। उसको ऐसे आप रखोगे तो ख़राब हो जाएगा, या वही उसमें नमक डाल करके या हल्दी डाल करके रखोगे तो आपको अगले दिन तक ख़राब नहीं होगा। इसका मतलब वो नमक और हल्दी जो था, है ना, उस मीट को, कच्चे मीट को, कच्चे चिकन को ख़राब होने से बचाया। तो ऐसे केमिकल को हम बोलते हैं फूड प्रिजर्वेटिव्स, जो खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं। तो डेफिनेशन क्या है? द केमिकल्स विच आर यूज्ड टू प्रिवेंट द स्पॉइलेज ऑफ फूड मटेरियल्स, है ना। द केमिकल्स विच आर यूज्ड टू प्रिवेंट द स्पॉइलेज ऑफ फूड मटेरियल्स ड्यू टू माइक्रोबायल ग्रोथ। माइक्रोबायल ग्रोथ का मतलब हो गया बैक्टीरिया के ग्रोथ के द्वारा, चाहे फंगस के ग्रोथ के द्वारा। तो वैसे केमिकल सब्सटेंस जिनका उपयोग करते हैं खाद्य पदार्थों की बर्बादी से रोकने के लिए माइक्रोबायल ग्रोथ के चलते, आर्क और फूड प्रिजर्वेटिव्स। अब एग्जांपल याद रखना है हमारा चीनी, टेबल सॉल्ट, वेजिटेबल ऑयल का मतलब सरसों का तेल ही हो गया। हमारे देश में जो सबसे कॉमनली यूज्ड फूड प्रिजर्वेटिव है वो है सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल किया जाता है फ्रूट जूस में, जैम में, जेली में। किस में इस्तेमाल होता है वो आपको एग्जाम में नहीं पूछता है, हम बस ऐसे ही आपको बता दे रहे हैं। आप सिर्फ वैसे केमिकल को याद रखिएगा जिनका इस्तेमाल फूड प्रिजर्वेटिव्स के रूप में होता है। ठीक है, सोर्बेट्स, है ना, सॉल्ट ऑफ सॉर्बिक एसिड। सॉर्बिक एसिड के जो सॉल्ट होते हैं उनको सोर्बेट्स कहा जाता है। इनका इस्तेमाल होता है चीज मतलब पनीर में, मीट, फिश, जो डब्बा में पैक होकर जो मीट या फिश आता है, है ना। आप जानते होंगे कि विदेशों से भी मीट का व्यापार किया जाता है, मछली का व्यापार किया जाता है, डब्बा में बंद होकर के वो आते हैं। उनमें फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? सॉर्बेट्स का। फिर है हमारा पाराबेन्स, अल्काइल पारा हाइड्रोक्सिल बेंजोएट। इन सब का आपको स्ट्रक्चर नहीं पूछेगा। बेंजोएट का मतलब होता है बेंजीन, और इस पर अगर ईस्टर का फंक्शन ग्रुप हो तो अल्काइल मतलब ये अल्काइल। फिर पारा हाइड्रोक्सिल, पारा स्थान पे ओएच ग्रुप लगा हुआ रहेगा, है ना।
पारा हाइड्रोक्सी अल्काइल पारा हाइड्रोक्सी बेंजोएट। आपको ये सब स्ट्रक्चर नहीं पूछेगा, ठीक है। तो पाराबेंस किसे कहते हैं? अल्काइल पारा हाइड्रोक्सी बेंजोएट को पाराबेंस कहा जाता है। इसका इस्तेमाल होता है टोमेटो सॉस में, सॉफ्ट ड्रिंक या जो बियर, बियर तो जानते होंगे आप, ठीक है, बहुत लोग इस्तेमाल भी किए होंगे। तो इनमें जो फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में जो इस्तेमाल होता है वो होता है पाराबेंस। फिर हमारा है प्रोपियोनेट्स, मिथाइल फिनाइल प्रोपियोनेट्स, है ना। प्रोपियोनेट्स का मतलब होता है तीन कार्बन का एस्टर, तीन कार्बन का एस्टर, मतलब यहां पर इस प्रकार से ये थ्री कार्बन का एस्टर होगा और यहाँ पर मेरा मिथाइल या फिनाइल लगा हुआ रहेगा, तो उसको हम बोलेंगे मिथाइल फिनाइल प्रोपियोनेट्स। इसका इस्तेमाल होता है बिस्किट्स में या बेक्ड फूड, बेक्ड फूड का मतलब हो गया पकाया हुआ फूड, ठीक है। तो बिस्किट भी हमारा पकाया हुआ फूड होता है। तो जो हमारे पकाए हुए फूड होते हैं उनमें फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में इस्तेमाल होता है प्रोपियोनेट्स का। फिर पोटासियम मेटाबाइसल्फाइड, फिर पोटासियम मेटाबाइसल्फाइड भी एक बहुत ही कॉमन फूड प्रिजर्वेटिव है जिनका इस्तेमाल हमारे देश में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप डेफिनेशन याद रखोगे और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है ये सब आपको याद नहीं रखना है, मतलब चलिए इसको देखिए मैं मिटा दे रहे हैं, ठीक है। पर आपको सिर्फ याद रखना है केमिकल जिनका इस्तेमाल फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में होता है, शुगर, टेबल साल्ट, वेजिटेबल ऑयल, सोडियम बेंजोएट, पोटासियम मेटाबाइसल्फाइड, प्रोपियोनेट्स, पाराबेंस, सॉल्वेंट्स, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, है ना। हमारे देश में डायबिटिक पेशेंट बहुत हैं जिनको चीनी खाना बिल्कुल सख्त मना है, या कुछ ऐसे भी पेशेंट हैं जिनको डॉक्टर ऐसे भोजन करने की सलाह देते हैं जिनसे उनके शरीर का जो कैलोरी है वो इंक्रीज ना करे, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट के लिए ये जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है ये रामबाण है, क्योंकि जो आर्टिफिशियल स्वीटनर होते हैं इनको खाने से किसी भी प्रकार का कैलोरी शरीर को प्राप्त नहीं होता है, ना तो इनके पास किसी भी प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, बस ये सिर्फ भोजन को मीठा बनाते हैं, सिर्फ ये भोजन को मीठा बनाते हैं, ये ना तो शरीर को किसी भी प्रकार का पोषक तत्व प्रदान करते हैं और ना इनको खाने से शरीर को कोई कैलोरी प्राप्त होता है, कोई एनर्जी प्राप्त होता है, ठीक है। तो ऐसे केमिकल को कहा जाता है आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट या आर्टिफिशियल स्वीटनर। तो मैंने हम कह सकते हैं कि दोज केमिकल्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ शुगर, तो वैसे केमिकल जो शुगर के स्थान पर इस्तेमाल होते हैं। तो द केमिकल्स विच प्रोवाइड स्वीटनेस टू फूड, वैसे केमिकल जो भोजन में मिठास प्रदान करते हैं विथाउट इंक्रीजिंग द कैलोरीज इन द बॉडी, शरीर में कैलोरी को बढ़ाए बिना, आर नोन एज आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट के नाम से जाने जाते हैं। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आर नॉन न्यूट्रिटिव इन नेचर, है ना। नॉन न्यूट्रिटिव का मतलब हो गया उनके पास किसी प्रकार का पोषक गुण नहीं होता है, वो नेचर में अपोषक गुण वाले पदार्थ होते हैं, उनसे शरीर को किसी भी प्रकार का पोषक पदार्थ प्राप्त नहीं होता है। दीज आर हाईली वैल्यूएबल फॉर डायबिटिक पर्सन, ये डायबिटिक पर्सन के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं, ठीक है। तो हम अभी हम जानेंगे कि वो कौन कौन से केमिकल हैं जिनका इस्तेमाल आर्टिफिशियल स्वीटनर के रूप में होता है। एग्जाम्पल आप लोग याद रखिएगा, हमारे एनसीईआरटी में चार एग्जाम्पल दिया हुआ है। एक है हमारा एस्पार्टेम, एस्पार्टेम जो होता है स्टूडेंट ये 100 times स्वीटनर, स्वीटर देन सुक्रोज। हम लोग जो नॉर्मल जो चीनी खाते हैं वो सुक्रोज है, देखिए वो कितना मीठा होता है, और एलिटेम जो एस्पार्टेम जो होता है वो सुक्रोज से 100 गुना अधिक मीठा है, ठीक है। अनस्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर, जो हमारा एस्पार्टेम है ना, ये कुकिंग टेम्परेचर पे अनस्टेबल होता है, ये टूट जाता है, इसलिए एस्पार्टेम का इस्तेमाल हम लोग वैसे पदार्थों में करते हैं जो ठंडा होता है, जैसे हमारा कोल्ड ड्रिंक्स, है ना, कोल्ड ड्रिंक कोल्ड होता है, उसका टेम्परेचर बहुत कम होता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर एस्पार्टेम जो ब्रेक कर जाता है और उसका जो स्वीटनिंग इफेक्ट होता है वो खत्म हो जाता है। तो एस्पार्टेम का इस्तेमाल किया जाता है कोल्ड ड्रिंक्स में। इसके बाद हमारा आता है सक्राइन, है ना, सक्राइन है बच्चों, सक्राइन,
चीनी को शक्कर बोलते हैं, आप याद नाम वैसे याद कर सकते हो, जब महातो महात्माएं तो शक्कर सकराइन है ना, सकराइन जो होता है ये होता है 500 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज। देखिए ये सुक्रोज से 500 गुना दिन मीठा है। फर्स्ट पॉपुलर आर्टिफिशियल स्वीटनर, ये मेरा पहला पॉपुलर आर्टिफिशियल स्वीटनर है, ठीक है। अगला हमारा है सुक्रोलोज, नॉट सुक्रोज, स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, ये सुक्रोलोज है, सुक्रोज नहीं, सुक्रोलोज। ये जो होता है ये 600 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज, ये सुक्रोज की तुलना में 600 गुना अधिक मीठा होता है। और एलिटेम जो है ये होता है 2000 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज। तो आप कौन सा केमिकल कितना गुना अधिक मीठा है उसको याद रखिएगा, है ना। एस्पार्टम 100 टाइम्स, सक्राइन 500 टाइम्स, सुक्रोलोज 600 टाइम्स और एलिटेम 2000 टाइम्स। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि एलिटेम का इस्तेमाल हम लोग भोज्य पदार्थों में नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल द स्वीटनेस ऑफ फूड प्रिपेयर्ड यूजिंग एलिटेम। एलिटेम का इस्तेमाल करके जो हम लोग भोजन तैयार करते हैं उसके मिठास को कंट्रोल कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्यों, क्योंकि ये सुक्रोज की तुलना में 2000 गुना अधिक मीठा होता है, ठीक है। तो अब लास्ट हमारा टॉपिक बच गया है चैप्टर में, वो है हमारा एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट, तो हमारे जो भोज्य पदार्थ हैं, जो फूड मटेरियल्स हैं, वो क्यों खराब होते हैं, ये खराब होते हैं ऑक्सीडेशन के चलते। वो जितना चलते उनमें ऑक्सीडेशन होगा उतना जल्दी वो स्पॉइल करेंगे, खराब हो जाएंगे। तो वैसे केमिकल जो फूड मटेरियल के ऑक्सीडेशन के रेट को डिक्रीज करते हैं उनको कहा जाता है एंटीऑक्सीडेंट, क्या कहा जाता है, एंटीऑक्सीडेंट। केमिकल सब्सटेंसेस विच रिड्यूस द रेट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल्स, तो वे केमिकल जो फूड मटेरियल के ऑक्सीडेशन को डिक्रीज करते हैं उनको एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। इसका एग्जांपल है BHT और BHA, है ना, पूरा नाम होता है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन और ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। इनका केमिकल फॉर्मूला फिर आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, नोट कॉपी में लिखा हुआ है। देखिए टोलुइन जानते हैं हम लोग, है ना, बेंजीन का रिंग होता है और इस पर CH3 ग्रुप लगा हुआ रहता है, इसको टोलुइन बोलते हैं, और इसमें पारा स्थान पर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ रहेगा, और ये जो स्थान है बच्चों यहाँ पे लगा हुआ रहेगा कार्बन टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप CH3। इसी को कॉपी में हम लोग कैसे बनाए हुए हैं, इस प्रकार से ये बेंजीन का रिंग, देखिए CH3, और इसको देखिए हम लोग ऐसे बनाए हुए हैं, सेम चीज है, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन फिर CH3, फिर यहाँ CH3, फिर यहाँ CH3, इसको बोलते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल, क्या बोलते हैं इसको, टर्शियरी ब्यूटाइल। ये किसका स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, BHT का, और ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, अब जानते हैं एनिसोल बेंजीन के रिंग में अगर OCH3 मिथाइल ग्रुप मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ रहेगा इसको एनिसोल बोलते हैं, और पारा स्थान पर लगा हुआ रहेगा हाइड्रोक्सी। अब यहाँ चाहे यहाँ पे लगा हुआ रहेगा टर्शियरी ब्यूटाइल, ये ग्रुप है ना, एक इसका ये भी स्ट्रक्चर है OH, यहाँ पे हमारा मिथॉक्सी ग्रुप और यहाँ पे लगा हुआ है टर्शियरी ब्यूटाइल। तो इस कंपाउंड को कहा जाता है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, और इसको कहा जाता है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। ये दोनों का इस्तेमाल होता है एंटीऑक्सीडेंट के रूप में। तो इस प्रकार से जो हमारा चैप्टर है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इस चैप्टर हम लोग को यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। आप देखे होंगे कि ये बिल्कुल थ्योरी वाला चैप्टर है, इसमें आपको सिर्फ रटना है, ना कहीं कोई रिएक्शन है, ना न्यूमेरिकल है। तो जैक बोर्ड में अब तक जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं पिछले 10 साल में, है ना, वो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर देंगे। अगर सब्जेक्टिव एग्जाम होगा तो आपको याद करना पड़ेगा लैंग्वेज, और अगर अब तो कोरोना काल चल रहा है, आप देखिए फिर सिलेबस में क्या क्या रिड्यूस करता है आपको, और अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा तो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन कैसे आएगा वो भी आपको हम सेंड कर देंगे, ठीक है। इसके बाद का जो अगला चैप्टर हम शुरू करेंगे वो पॉलीमर होगा, है ना, पॉलीमर चैप्टर हम शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 15, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ाई को जारी रखिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।